भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा बहाल कर दी जाएगी। बस सेवा बहाल करने के लिए पड़ोसी राज्यों से हरी झंडी मिल चुकी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में निगम को 272 करोड़ का नुकसान हुआ है। मौजूदा समय में प्रदेश के भीतर 1700 रूटों पर 100% सीट के साथ बसें चलाई जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले 1-2 सालों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के आंकड़ों में कमी आई है, बावजूद इसके सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश सरकार ने 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के होम आइसोलेट होने और शहरी विकास मंत्री के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक की आगामी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इस बार की कैबिनेट अहम मानी जा रही है। कैबिनेट में स्कूल खोलने और इंटरस्टेट बस चलाए जाने जैसे कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जयराम कैबिनेट का एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद मंत्री सुरेश भारद्वाज होम आइसोलेट हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी को सांस लेने में तकलीफ के चलते IGMC शिमला में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि उनका बेटा पहले से ही कोरोना संक्रमण की चपेट में है। बेटे के संपर्क में आने के बाद सोमवार को दोनों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में किसान संवाद रैली निकाली। कांगड़ा के तमाम कांग्रेसी नेता अपने अपने समर्थकों के साथ रैली में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहती है। वहीं रोहतांग टनल पर बोलते हुए राठौर ने कहा कि ये परियोजना कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुई है, मोदी सरकार ने सिर्फ इसका नाम बदला है। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने क्षेत्रीय दल की तार ठोकते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो राजभवन जाकर अपना त्यागपत्र दे दे। नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। सरकार और मंत्रियों के फिजूल खर्ची जारी है, लेकिन जब बात जनता की आती है तो खजाना खाली हो जाता है। सरकार फिजूल खर्ची बंद करके प्रदेश के बारे में सोचे, अन्यथा आंदोलन होगा। दृष्टिबाधित संघ ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। बुधवार को संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और खाली पदों को जल्द भर्ती करने की मांग उठाई। संघ का कहना है कि केंद्र सरकार विकलांग जनों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, लेकिन प्रदेश सरकार इसके प्रति उदासीन बनी हुई है। सरकार विकलांग बैकलॉग के तहत 300 पदों को भरने में भी रुचि नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर CPIM ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। CPIM नेता संजय चौहान ने कहा कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री आइसोलेशन में हैं और सरकार के मंत्री संक्रमित हो रहे हैं, इससे सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सुरक्षा में भी सरकार ने कोविड के नियमों को ताक पर रख दिया था। इससे यह साफ होता है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, मात्र दिखावे के लिए ही प्रचार प्रसार किया गया है। मंडी को नगर निगम में मिलाए जाने के प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज करवाने की समय अवधि गुरुवार को खत्म हो रही है। इसी के चलते बुधवार को मंडी में नगर निगम का विरोध और समर्थन देखने को मिला। शहर की 25 संस्थाओं ने अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से DC को समर्थन पत्र सौंपा। वहीं 13 पंचायतों के 25 राजस्व मुहालों के जन प्रतिनिधियों ने नगर निगम के विरोध में मुंह पर काले मास्क लगाकर शहर में मौन जुलूस निकाला। इसके पश्चात DC के माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। छात्र हित के मुद्दों को लेकर ABVP ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ABVP प्रदेश भर में 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अपने आंदोलन को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाएगी। इसी कड़ी में बुधवार को ABVP शिमला इकाई ने शिक्षक क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर DC के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा और छात्र हित से जुड़ी अपनी मांगों के उचित समाधान की मांग की। ABVP का कहना है कि 11 साल से राजनीति के चलते CU का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। ABVP ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। प्रदेश में कोरोना से आज एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। बुधवार शाम तक प्रदेश में 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 334 लोगों का सफल उपचार हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 16,343 हो चुका है। इसमें से 2,862 मामले एक्टिव हैं। वहीं 3rd बटालियन पंडोह के 32 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 2 जवान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।